जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टडी और आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर आप सभी का ही स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं गाइस कि अभी फ्रंट पेज पर ही देख रहे हैं पीवीएफटी के फॉर्म आ चुके हैं। काफ़ी बच्चा कमेंट्स कर रहा था कि सर फॉर्म कब आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। तो आज फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अब कब से फॉर्म फिल होंगे, कब आपकी एग्ज़ाम डेट है, कितना अमाउंट लग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है, आपके सामने पूरा एनालिसिस मैं बताने वाला हूँ। देखिए क्या है कि आपके जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 14 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 28 सितंबर आपकी लास्ट डेट होंगी, देन उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट कब कब होने वाला है 29 और आपका 30, ठीक है 29, 30, 10, ठीक है अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग का जो है डेट भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। आपका जनरल वाले स्टूडेंट को 400 और एससी एसटी ओबीसी वाले स्टूडेंट को 200 रुपीज़ लगने वाला है। अब देखिए पहले दो पाली में आपके पेपर होंगे, 29 तारीख को मॉर्निंग में, इवनिंग में दो पाली में पेपर होंगे आपके, यह ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। आगे आते ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये तो सारा निर्देश आपको हर जो फॉर्म डालते हैं वो मिलता है। आगे आते हैं, देखिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। गैस आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी लाइव क्लासेस अभी वेटनरी वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हैं और आपके पीएनएसटी वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हैं, तो आप लोग आज से ही क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने जो है मे भी सप्ताह भर हो चुका होगा जो मैंने नया सिलेबस जो है स्टार्ट किया है, और आपका भी सिलेबस सिमिलर है तो आप लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आते हैं, देखिए इन्होंने सब नियम कह दिया है कि आपका जो है डिग्री कोर्स होगा, 5.5 साल का कोर्स होगा, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। चलिए आगे आते हैं, इन्होंने जो कॉलेज भी दिया है कौन कौन से कॉलेज हैं आपके, तो जबलपुर, महू, रीवा आपके कॉलेज है, 3 आपके कॉलेज है वेटनरी कॉलेजेस हैं। इसमें सीटें की बात कर ले तो टोटल आपकी 225 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 225 सीटें मेजर हैं, और हर एक महाविद्यालय में आपका 75 सीटें जो है अवेलेबल है। अब यहाँ पर भी आपको कैटेगरी सीटें बांटा है, यूआर में 81 जाएगी ऑल ओवर, ठीक है बच्चा, ऑल ओवर 81 तीनों कॉलेज मिला के। आपकी जो है एससी की सीटें जाएगी 35, 43 जाएगी किसकी सर जी, एसटी वालों की, 58 जाएगी आपकी ओबीसी वालों की, और ईडब्ल्यूएस वालों की जाएगी 2 सीट, ठीक है ना, ये सब सीटें बट गई है। आगे आते हैं, देखिए क्या कहा गया है, सब कुछ जो है डिग्री के बारे में आपको बता दिया गया है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखा है, www आपका NDVSU, तो ये नानाजी देशमुख पशु विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। बात करें आपकी एज जो है 17 से कम नहीं होना चाहिए, 17 से अधिक ही होना चाहिए। आप भौतिक रासायनिक जीव विज्ञान विषय में जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, ये भी इन्होंने कह रखा है। आगे आते हैं ज़रा देखते हैं सर जी पीवीएफटी के सारे निर्देश है, ये रूल बुक है, बहुत लंबा वीडियो जाएगा तो मैं चाहूँगा कि आपको शॉर्टकट में ही समाप्त कर दूँ। देखिए आपका 17 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, कम एज नहीं होना चाहिए, ओके बच्चे। एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है आप लोगों को, अगर आप लोग जो है कम एज जो है ज़्यादा एज हो गई तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा रूल बुक है, मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल समाधान स्टडी पर, ओके। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जो सेकंड में दिया है यहाँ पर, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, आपका एक मत्स्य विभाग में होता है, एक वेटनरी विभाग में, दो तरह की आपकी वैकेंसी आती है। अगर आप लोग बी एफ एस सी करना चाहते हैं तो 4 साल का होगा, और पीवीएफटी करना चाहते हैं तो वो 5.5 साल का कोर्स होगा, ठीक है बच्चा। ये आपका डिग्री कोर्स है तो आप लोग जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर, एक ही कॉलेज आपके लिए जबलपुर 45 सीटें होती है, चाहे वो मत्स्य विभाग, और बाकी तो सीटें 75 जो आपका पीवीएफटी में है, ठीक है। ये सारा का सारा निर्देश आप लोग समक्ष देख रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक जो है जितनी मैंने जानकारी बताया है, फॉर्म जैसे ही भरना स्टार्ट होगा तो आपके लिए मेजरली वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये का बहुत बड़ा जो है रूल बुक है गाइस, देखिए आपका पूरा जो है एग्ज़ाम को लेकर दिया है कि एग्ज़ाम की अवधि कितना मिनट हो गया, ये सारा कुछ, एडमिट कार्ड, ये बहुत सारा लंबा पीडीएफ है गाइस, ऑलमोस्ट गाइस 70 पेज है, देख रहे कितने पेज आपके पास, 70 पेज है। अगर वीडियो में आपको एक एक जो है पेज पढ़कर बताऊं तो ऑलमोस्ट गाइस हमारा जो आधा घंटा चले जाएगा, इसलिए जो मेजरली चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है, और आप लोग जो है बिल्कुल अब तैयारी पर लग जाइए। फॉर्म बिल्कुल आ चुके हैं, ये देखिए ये सारा का सारा, फिर आपको जब आपका सत्यापन होगा ना तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जाति, मूल निवास, आय, ये सारा का सारा यहाँ पर दिया है। फॉर्म डालने के लिए आप लोग कुछ भी नहीं लगेगा, प्रोफाइल पंजीयन लगेगा पीईबी का, ठीक है। जो आपको प्रोफाइल पंजीयन आप लोगों ने पहले अगर फॉर्म दिया है तो ये सारा सिलेबस है, आप लोग यहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं,
ये सारा सिलेबस है, ठीक है। और सिलेबस ये देखिए क्या है, आपका पूरा सिलेबस है, बायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारा सेशन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चा। आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस को, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कहाँ का होगी, तो भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, आपका यह शहर में एग्ज़ाम होने वाली है। टोटल अमाउंट की बात कर लूँ तो 400, 200, 200 आपका अमाउंट लगेगा। तीन पाली में पेपर है, मैंने बता चुका है आप लोगों को, ठीक है। ये सारा निर्देश आपने देख लिया होगा और लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा आप सभी लोग। जैसे कि अभी इवनिंग में क्लास लगेंगी आपकी 9 बजे, मॉर्निंग में आपका 7 बजे, और बेहतरीन आपके रिकॉर्डेड क्लास भी आपके लिए मिल रही है। तो सारा बच्चा ज्वाइन करके एक बार बेहतरीन तरीके से अपना सिलेक्शन ले सकता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज से। जय हिंद, वंदे मातरम।